सलाम कुमार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोटिव्स की लग्जरी कलेक्शन शिफोन। जी नाज़रीन, ये देखिए मोटिव्स 2139 अल्मोड क्रीम सूट। अनबॉक्स दिखा रहे हैं हम आपको। बेज कलर का सूट है, बहुत नहायत खूबसूरत सूट। आलमोट क्रीम शेड, पीसीज हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। ये देखिए जी, इसका दुपट्टा है। देखिए जी, बहुत खूबसूरत क्रीम कशफून में दुपट्टा है। इसके पैचेस सीक्वेंस वर्क में है। ये डिटेल्स आपको बताते हैं कि ये भी कहाँ आएंगे। ये देखें, ये इसके वेलवेट के पैच हैं। और दो पैचेस आए हैं, ये भी आपको बताते हैं जी कहाँ आएंगे और कहाँ नहीं। शर्ट का फ्रंट है, खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड पीस। शर्ट की बैक प्लेन है, सिंथेटिक रॉ सिल्क। और ये चलिए आपको डिटेल देते हैं जी नाजिन। ये है शर्ट का फ्रंट, बेज कलर की शर्ट, बहुत खूबसूरत शर्ट का फुली एम्ब्रॉयडर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं, तिल्ले के काम के साथ बहुत खूबसूरत। और ये इसके धागे की कढ़ाई हुई है और फ्रंट मोटिव्स के ऊपर बहुत खूबसूरत सीक्वेंस वर्क है, जो सूट की खूबसूरती को और मज़ीद दुबाला कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तिल्ले के काम और इन बिटवीन सीक्वेंस वर्क है, बहुत खूबसूरत एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। जी नाज़रीन, ये देखें, ये ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड दामन के ऊपर इसका पैच, बहुत खूबसूरत। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीक्वेंस वर्क, तिल्ले का काम और कढ़ाई का खूबसूरत बॉटम पे इसका पैच आएगा, बहुत खूबसूरत सीक्वेंस। एक जी नाज़रीन, ये एक और पैच है, ये भी इसके दामन पे ही आएगा और ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे आएगा। ये ब्रॉडेड पैच है और ये वेलवेट के ऊपर सिला हुआ है, बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट, गोल्डन कंट्रास्ट के साथ मैरून सीक्वेंस वर्क है, सीक्वेंस लाइनिंग्स में, ये देख रहे हैं जैसे आप, और खूबसूरत फ्लावर्स तिल्ले का काम है और सीक्वेंस वर्क में। ये शर्ट के दामन पे आएगा, जैसे मैंने आपको पहले पैच भी दिखाया है और ये वाला पैच भी। जी नाज़रीन, ये देखें, खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स, बहुत खूबसूरत एज के ऊपर स्लीव्स के और बॉर्डर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तिल्ले की लाइन है, बहुत खूबसूरत। और ये सीक्वेंस वर्क सेम शर्ट का और बॉटम के स्टैंड का, और बहुत देखें ज्योमेट्रिकल एक खूबसूरत मोटिव्स बनाए हुए हैं, जिसमें धागे का काम इस्तेमाल हुआ है, तिल्ले का काम इस्तेमाल हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स। जी नाज़रीन, ये भी वेलवेट का पैच है एम्ब्रॉयडर्ड, ये स्लीव्स के जो मैंने आपको दिखाया है उसके बिल्कुल एज पे आएगा, बहुत खूबसूरत सीक्वेंस वर्क, तिल्ला और एक खूबसूरत वेलवेट के ऊपर पैच है, ये वेलवेट के ऊपर सिला हुआ है, बहुत खूबसूरत मैरून गोल्डन का एक इम्तिजाज। जी नाज़रीन, ये शर्ट की बैक है क्रिंकल शिफॉन, प्योर प्लेन बैक, प्योर क्रिंकल शिफॉन। जी नाज़रीन, ये शर्ट की बैक के बॉटम पे सारे पैचेज आएंगे, ये जैसे मैंने भी आपको बताया है कि प्योर क्रिंकल शिफॉन की बैक है,
देन उसके बाद एक ये पैच आएगा, उसके बाद एक खूबसूरत वेलवेट का सीक्वेंस वर्क में, तिल्ला सीक्वेंस वर्क में ये पैच आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक खूबसूरत इसका ऑर्गेंजा में सिला हुआ पैच। ये शर्ट के तीन बॉर्डर, 1, 2, 3, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये देखिए, इसमें भी सेम सीक्वेंस वर्क है, तिल्ले का काम है, बहुत खूबसूरत। एक कंप्लीट बैक कंट्रास्ट, गोल्डन मैरून, जी नाज़रीन। ये देखें, प्योर क्रिंकल शिफॉन में फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, बहुत खूबसूरत। जैसा कि आप देख रहे हैं, धागे का काम है इस पर, तिल्ले का काम है, छोटे छोटे इन्हीं सर्कल्स में स्टार्स धागे के काम में। एक कंप्लीट कंप्लीट जौन सा है एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन दुपट्टा। और ये देखें, एक खूबसूरत बॉर्डर दिया हुआ है दो लॉन्ग साइड पर, लॉन्ग बॉर्डर टू साइड पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेम धागे का और तिल्ले के काम में कंप्लीट एक एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, फुली एम्ब्रॉयडर्ड। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये सिंथेटिक रॉ सिल्क का ट्राउज़र है, चॉइस आपकी है, या आप इस पर ट्राउज़र कर सकते हैं, बेल बॉटम कर सकते हैं, शलवार कर सकते हैं, क्यूलेट शलवार बनवा सकते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, और ये इसका एक खूबसूरत पैच जो बॉटम पे आएगा, ऑर्गेंजा नेट पे सिला हुआ है, बहुत खूबसूरत धागे का काम है और तिल्ले का नाम काम है, स्ट्रेट, बहुत खूबसूरत, गोल्डन के ऊपर गोल्डन एक इसका पैच। जी नाज़रीन, ये अनबॉक्स मैंने अभी आपको दिखाया है, सूट की डिटेल्स अब मैं बताता चलूँ। ये देखें जी, ये नाज़रीन खूबसूरत इसका फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत खूबसूरत तिल्ले के काम का। ये वो पैचेस थे, वेलवेट पैच था और उसका ऑर्गेंजा पैच था, और ये एक और छोटा सा पैच, ये वो थ्री पैचेस थे जो मैंने आपको दिखाए थे। और ये इसके स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स, और ये एक खूबसूरत इसका वेलवेट पैच। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी प्लेन क्रिंकल शिफॉन बैक थी, और ये वो वेलवेट पैच, और ये सिल्क का बीच में इन बिटवीन लगाया गया है एक पैच, और देन उसके बाद ऑर्गेंजा पैच। ये थ्री पैचेस थे जो इसकी बैक को कवर कर रहे हैं। और ये खूबसूरत शिफॉन का दुपट्टा, कंप्लीट एंड फुली एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स के साथ। व्यूअर्स, मोटिप्स 2139 आपको मैं इसकी अनबॉक्स दिखा चुका हूँ। आलमोट क्रीम सूट है, आइवरी शेड भी इसे कह सकते हैं हम। ये अनबॉक्स में मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये इस वक्त हमारे पास स्टिच होकर आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत स्टिच हुआ हुआ है, और हमारे एक्सपर्ट टेलर ने इनके इसको स्टिच किया है, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी स्टिचिंग क्वालिटीज़, कुछ स्पेशलिटीज़। ये देखिए, ये वो नेकलाइन इसका पैच था जो इसके हमने, हमारे एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में इसको कट करके इसके ऊपर लगाया गया है। और ये वो खूबसूरत इसकी वेलवेट पट्टी थी इसका, जिसको हम पैच कह सकते हैं, ये इसके अंदर इसको फिक्स किया गया है, और बहुत खूबसूरत अंदाज में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका बीट वर्क जौन सा है, इसको बीट्स लगाए गए हैं जो कि इसकी नेक लाइन को कवर कर रहे हैं, और इसके बीट्स को सीक्वेंस वर्क के साथ नहायत ही खूबसूरत अंदाज से फिक्स किया गया है।
और नहाई थी इसकी सीक्वेंस लाइंस, इसकी पट्टियाँ इसके फ्रंट मोटिफ से एम्ब्रॉयडर्ड के, और इसके साथ खूबसूरत तिल्ले का काम है धागे का, और सीक्वेंस फ्लावर्स स्टाइल्स में इसको फ्रंट को कवर किया गया है। बहुत खूबसूरत आइवरी क्रिंकल शिफॉन सूट। और व्यूअर्स ये देखिए इसके खूबसूरत स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स थे जी ना व्यूअर्स, ये जैसे आप देख रहे हैं ये वो इसके पैच थे वेलवेट के, जो इसके स्लीव्स के साथ इसको मर्ज किया गया है, इसके साथ लगाया गया है। और ये खूबसूरत इसके टसल्स जो राउंड शेप में इसके बैक पे भी जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसके कलर कंट्रास्ट के साथ। बहुत खूबसूरत आइवरी मेहरून वेलवेट पैच के साथ फिक्स किया गया है सीक्वेंस वर्क और इसके लटकन मोटिव्स, स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड जी। वो बहुत खूबसूरत इसका फ्रंट, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसमें तिल्ले की तार की इसमें आउटलाइन दी हुई है, इसमें धागे का काम है, सीक्वेंस पर लाइंस इसमें ओवरऑल शर्ट के साथ है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये वो वेलवेट के पैच थे जो आपको मैं अनबॉक्स में दिखा चुका हूँ, ये वो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ हैं। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत और नफासत के साथ इसको इसके साथ मर्ज किया गया है और इसका एक प्रॉपर दामन को शो किया गया है। और इसी तरह ये भी वो पैच थे और ये ऑर्गेन्जा पैच था, बहुत खूबसूरत सीक्वेंस तिल्ला और नहाई थी नफासत खूबसूरत अंदाज से लगाया गया है। और ये वो पट्टी भी हमारे एक्सपर्ट टेलर ने इसके दामन के एंड पर लगाई गई है। और खूबसूरत इसकी लटकन जिसको हम इसके मोटिव्स भी कह सकते हैं, और इसके बीट्स वर्क इसको प्रॉपर सारे दामन के ऊपर लगाए गए हैं। बहुत ही नहाई थी खूबसूरत इसका दामन का बॉटम। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो ट्राउज़र है वो सिंथेटिक रॉ सिल्क है, प्लेन रॉ सिल्क, एक कंप्लीट सूट और कंप्लीट पैकेज। नहायत ही खूबसूरत और नफासत अंदाज से इसको सिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक चीज़ का बारीकी के साथ इसको हमने मैनेज किया है, इसको सिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे सूट्स स्टिच हुए भी पसंद आ रहे हैं। व्यूअर्स खूबसूरत और नहायत ही नफीस अंदाज का और इसके क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा जो कि इसके आइवरी शेड के साथ कंट्रास्ट के साथ मैरून शेड में और फुल एम्ब्रॉयडर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साथ ये लॉन्ग बॉर्डर है जो इसके टू साइड पर लॉन्ग बॉर्डर है, और इसके साथ ही इसके ओवरऑल सारे दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड तिल्ले और धागे का काम है, और इसके शॉर्ट बॉर्डर के ऊपर पाइपिंग दी गई है। क्रिंकल शिफॉन फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा विद लॉन्ग बॉर्डर एंड शॉर्ट बॉर्डर के साथ पाइपिंग। जी व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेन क्रिंकल शिफॉन इसकी बैक है शर्ट की, बहुत खूबसूरत प्योर क्रिंकल शिफॉन। जी व्यूअर्स ये वो पैचेस है जो मैंने आपको इसके अनबॉक्स में दिखाए थे, वेलवेट पैच, इसका ऑर्गेन्जा पैच, और ये वो पट्टी है जो यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज से और नफासत अंदाज में हम लोगों ने हमारे एक्सपर्ट्स टेलर्स ने इसको फिक्स किया है, इसको लगाया है। और ये वो तीन पैचेस थे, एक दो तीन और ये फोर एज के ऊपर, बहुत खूबसूरत अंदाज में जैसे कि आपको फ्रंट पे दिखाया गया है, ये बैक साइड पे इसकी सूट की और खूबसूरत शान को बढ़ा रहा है, इसको खूबसूरत व्यू दे रहा है।